लुधियाना के गुरदेव नगर के महिला का कतल कर दिया गया है। तेज तर हथियारों के हमला करके फौजी का कतल किया गया। दस दिए कि लुधियाना के छुट्टी आए फौजी का कतल किया गया। सो जागो के नचन दौरान मोटा लगन कारण मामूली या थोड़ा जहा विवाद होया, जिस तों बाद झगड़ा इन्ना वध गया कि नौबत इतों तक आ गई कि तेज तर हथियारों के नाल हमला करके फौजी का कतल कर दिया गया। अपने चाचे के मुंडे के विआह में शामिल हुई होने के लिए छुट्टी पर जिहड़े फौजी आए सन, तो सो अगे वाद्या दस दिए कि लुधियाना के गुरदेव नगर के एक महिला का कतल किया गया। व्यक्ति ने अपनी पत्नी के सिर के दात मार के उसनू मौत के घाट उतार दिता है। दिन प्रतिदिन अजिहियां जिहड़ी वारदातें ने उन्हां दे विच इजाफा हुंदा है नज़र आ रहा है। सो मानसिकता इंसान की कित्थों तक पहुँच गई है, इस गल तो जरूर अंदाजा लगाया जा सकता है कि छोटी जी तकरार होने बाद मौत के घाट उतार दिता जाता है। इस तहत लुधियाना तो ही यह खबर फिर तो जी सामने आई है, जिथे व्यक्ति ने अपनी पत्नी भी तुहानू जानकारी देवांगे। लेकिन इस दरमियान लुधियाना दे विच एक होर जिहड़ी वारदात की खबर तुहानू दस दईए कि छुट्टी ते आए फौजी का कतल कर दिता गया। तेज तर हथियारों के नाल हमला करके फौजी का कतल किया गया। जागो दे विच नचन दौरान थोड़ी जी तकरार हुई। सो एक समागम दे विच नचन दौरान थोड़ी तकरार हुई, जिस तों बाद मामला इन्ना तलख वध गया कि कतल की वारदात नूं अंजाम दिता गया। सो पुलिस वल्लों सीसीटीवी दे आधार ते जांच पड़ताल की जा रही है। सो अपने चाचे के मुंडे के विआह दे विच शामिल होने दे लई छुट्टी ते आया सी फौजी, जदों इह पूरा मामला सामने आया, कतल की वारदात सामने आई। सो तेज तार हथियारों के नाल हमला करके फौजी का कतल कर दिता गया। पुलिस वालों सीसीटीवी के आधार से जांच जारी। नचते नचते थोड़ी जी लड़ लुड़ पे सी जी, अच्छा जी, ते उस तों बाद जी उन्होंने मुंडे मंडे बुला के जी भरा दे करचा कुरचा मारे। इंडियन आर्मी सर्विस करता है, कल छुट्टी लेके बेचारा विआह ते आया सी, उत्थे कोई माड़ी मोटी नोक झोक हुई है। उस दौरान कोई मुंडिया ने दो तीन मुंडे सीगे जिहड़े उत्थों ते गली ते ही तीन चार मुंडे होर उन्होंने बुला के इनू किरचा दे नाल उसी टाइम उत्थे खत्म करता मुंडे नूं। बहुत वड्डा धक्का है, छोटा जिहा बच्चा उहदे। तां इस दे नाल ही होर वधेरे जानकारी लै लैणा मेरे नाल मेरे सहयोगी भरत शर्मा फोन लाइन ते जुड़े ने लुधियाना तों। भरत, की कोई जानकारी है जो फौजी का कतल किया गया, थोड़ी बहुती तकरार तों बाद आखिर अजिही किहड़ी नौबत पहुंची कि मामला कतल तक पहुंच गया? बिल्कुल, तुहानू दस दिए कि लुधियाना के पिंड सुधार का जिहड़ा रहण वाला सीगा मलकीर सिंह, जो कि भारतीय जिहड़ी फौज विच जिहड़ा तैनात सीगा, ते ओह छुट्टी ते आया सीगा अपने कितने ना कितने रिश्तेदारां दे जिहड़ा विआह ते जिहड़ा छुट्टी ते आया सीगा। 31 तरीक नूं जिहड़ा छुट्टी लैके अपने चाचे दे मुंडे दे विआह ते जिहड़ा आया सीगा, ते उस देर रात जिहड़ा बीती देर रात जागो ते जिहड़ा उत्थे नचदे नचदे उसका जिहड़ा हत्थ किसी नौजवान दे मोढे ते जिहड़ा लग गया, जिस तों बाद जिहड़े नौजवान सीगे उन्होंने अपने दोस्त बुलाए, जिस तों बाद जदों फौजी नूं घर तों बाहर लैके गए ते इक गली दे विच जाके जिहड़ा उसका जिहड़ा तेजधार हथियार नाल जिहड़ा उसका हमला किया, जिस तों बाद जदों उसके रिश्तेदार नूं पता लगा ते तद उसनूं लुधियाना दे डीएमसी हस्पताल जिहड़ा रैफर लैके जा रहे सीगे, ते रस्ते विच जिहड़ा उसने दम तोड़ दिता सीगा। फिलहाल तुहानूं दस्सां कि देर रात का मामला दस्सिआ जा रहा, 12 वजे का मामला दस्सिआ जा रहा, ते पुलिस जिहड़ी आ मौके ते पहुंच चुकी सीगी, ते पुलिस दे हत्थ जिहड़ी आ कुछ सीसीटीवी जिहड़ी जरूर लगी आ, ते डीवीआर जिहड़ा पुलिस ने अपने कब्जे ते कर लिता गया। फिलहाल पुलिस वल्लों कहा जा रहा कि जल्द तों जल्द आरोपी है जिन्हां वल्लों सारा वारदात नूं अंजाम दिता गया सीगा, जिन्हां वल्लों हमला किया गया सीगा, क्योंकि साबका फौजी सी छुट्टी ते आया सीगा, क्योंकि तकरार इस तरह वधदी है नशदे नशदे फौजी का हत्थ किसी नौजवान के मोढ़े से लग, जिस तों बाद जिहड़ी तकरार इन्नी ज्यादा वध जांदी है, ते लड़के ने जिहड़ा अपने दोस्त बुलवा के जिहड़ा साबका फौजी का जिहड़ा तेजधार हथियार नाल जिहड़ा उसका कतल कर दिता गया। फिलहाल जिहड़े पीड़ित परिवार आ उह कितने ना कितने जरूर इंसाफ की गुहार लगा रहे। तुहानूं दस्सदे कि साबका फौजी की 9 महीने की जिहड़ी है, इस पूरे मामले दे विच किस दी गिरफ्तारी हुई है हुण तक?
जी बिल्कुल तुम दस फिलहाल तक कोई भी किसी तरीके की कोई गिरफ्तारी नहीं रही, पर पुलिस वालों जो डीवीआर से सीसीटीवी जरा कब्जे से ला लिया गया तो जो आरोपी है उन्होंने जरूर जी पहचान हो चुकी है तो पुलिस वालों जो लगातार छापेमारी की जा रही तो उन्होंने जो जल्द तो जल्द फड़न का जो आश्वासन जरूर दिता गया वा पीड़ित परिवार ने। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी की साझ पाने के लिए। दस दिए कि थोड़ा जहा विवाद होया उस तो बाद नौबत इतने तक पहुँच गई कि कतल की वारदात को अंजाम दिता गया। हालांकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई।